क्या 50% से ज्यादा बढ़ाई जा सकती है आरक्षण की सीमा? मराठा आरक्षण पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने सभी राज्यों से पूछा सवाल, कहा आरक्षण के मसले पर सभी राज्यों को सुनना है जरूरी। संसद में 8 मार्च से शुरू हुआ बजट का दूसरा सत्र, ईंधन की बढ़ी कीमतों को लेकर राज्यसभा में हंगामा, विपक्ष ने की बढ़ती महंगाई पर चर्चा की मांग। 8 मार्च से शुरू हुआ दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र, 9 मार्च को पेश किया जाएगा बजट, पहले दिन एलजी ने गिनाए केजरीवाल सरकार के 30 बड़े काम। महिला दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने की महिला उद्यमियों डिजाइनरों की ओर से तैयार किए गए सामान की खरीदारी, तमिलनाडु की शॉल, असम का गमछा और बंगाल के फाइल फोल्डर भी पीएम मोदी की शॉपिंग लिस्ट में शामिल, ट्वीट कर साझा की जानकारी। पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले टीएमसी को एक और झटका, हबीबपुर से उम्मीदवार सरला मुर्मू ने छोड़ी पार्टी, बीजेपी में जाने की अटकलों ने पकड़ा जोर। पंजाब में कैप्टन सरकार ने पेश किया कार्यकाल का अंतिम बजट, दिल्ली की तरह महिलाएं पंजाब में भी कर पाएंगी सरकारी बसों में मुफ्त सफर, 1 जुलाई 2021 से लागू होगा 6ठा वेतन आयोग। उत्तराखंड में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों ने पकड़ा जोर, दिल्ली पहुंचे सीएम त्रिवेंद्र रावत, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत बोले सब कुछ ठीक है। बाटला हाउस एनकाउंटर मामले में दिल्ली की साकेत कोर्ट का बड़ा फैसला, इंडियन मुजाहिदीन का आतंकी आरिफ खान दोषी करार, 15 मार्च को सजा पर आएगा फैसला, दिल्ली पुलिस ने साल 2018 में किया था गिरफ्तार। देश में फिर बढ़ने लगा है कोरोना संक्रमण का ग्राफ, पिछले 24 घंटों में सामने आए 18,599 मामले, 97 लोगों ने गंवाई जान। तेलंगाना के भैंसा शहर में 2 समुदायों के बीच झड़प, पुलिसकर्मी और पत्रकार समेत 12 लोग घायल, इलाके में लागू की गई धारा 144।